राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका संतोष क्रिएटिव गार्डन में। देखिए, जो समर सीजन है वो स्टार्ट हो चुका है और इस बार जो गर्मी है वो बहुत ही ज़्यादा, अप्रैल में ही भी बहुत ही ज़्यादा जो गर्मी है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो ऐसे में जो प्लांट्स हैं उनको हमें फर्टिलाइज भी करना होता है, लेकिन हम किस तरीके का क्या फर्टिलाइज़र यूज़ करें कि जो फर्टिलाइज़र के यूज से प्लांट्स जले भी नहीं और उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से हो, उन्हें एक ही जो फर्टिलाइज़र है उससे जो प्रॉपर जो न्यूट्रिशंस है वो मिले। तो ऐसी हमें ठंडी खाद अब प्लांट्स को देनी होगी और समर में जो मोस्टली यूज़ करना होता है वो लिक्विड फर्टिलाइज़र आप यूज़ कीजिए। तो उसके लिए जो मैंने फर्टिलाइज़र बनाया है या मैं यूज़ करती हूँ वही आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, जो कि प्लांट्स को बिल्कुल भी नहीं जलाएगा और बिल्कुल ठंडा रहेगा और जो हमारे प्लांट्स हैं उनमें ग्रोथ भी अच्छी होगी और जो फ्लावर्स हैं वो भी बहुत सारे निकल के आएंगे। तो देखिए, ये आपके साथ में मैं शेयर कर रही हूँ, ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है बिल्कुल घर पे बनाया है, घर पे ही रेडी किया हुआ है। जो फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं उन्हीं का यूज़ करके ये फर्टिलाइज़र है। ये देखिए, एक लीटर से भी ज़्यादा थोड़ा सा पानी मैंने इसमें जो डाला था और उसके अंदर मैंने लगभग एक से डेढ़ मुट्ठी के लगभग, यानी आप 50 ग्राम से ज़्यादा, लगभग 100 ग्राम के लगभग जो है वो वर्मी कंपोस्ट मैंने इसमें ऐड किया है। और उसके साथ में जो मैंने ऐड किया है वो हाफ चम्मच, मतलब इतने के अंदर मैंने केवल हाफ चम्मच ही मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र जो है वो यूज़ किया है पाउडर, क्योंकि अब गर्मियों में जो है वो प्लांट्स को ऐसे फर्टिलाइज़र देना है जो कि उनको एकदम ठंडा रखे और उनकी जो ग्रोथ है वो अच्छे से करे। तो इसे मैंने 4 से 5 दिन के लिए रख दिया था और अब देखिए मैं इसे अच्छे से हिला दूंगी, क्योंकि इसलिए रखा है कि जो इनको भिगो के हम जब रख देते हैं 4-5 दिनों के लिए तो जो इसकी तासीर है वो ठंडी हो जाती है। अब ये जो हम प्लांट्स को देंगे तो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और जो प्लांट्स है वो अच्छे से ग्रो भी करेंगे। तो आप अपने प्लांट्स की जो जितनी क्वांटिटी है कि आपके कितने सारे प्लांट्स हैं उसी हिसाब से इसको बनाइए, पर इसका जो रेशियो है लगभग यही है, 5 दिनों के लिए लगभग इसको रख दीजिए कि ये अच्छे से जो है इसका जो ठंडा हो जाए, अच्छे से इसके ये मेल्ट हो जाए। तो अब मैं इसको फर्टिलाइज़र को यूज कैसे करना है वो आपको बताती हूँ कि ये बनाने के बाद लगभग 10 लीटर की बकेट दिए, देखिए 10 लीटर मैंने पानी लिया है और इसके अंदर जो मैं है इसको ऐड कर दूँगी, ये पूरा जो फर्टिलाइज़र है उसको मैं 10 लीटर के अंदर ऐड कर दूँगी। मतलब 1 से 1.5 लीटर मैंने पानी लिया था, गर्मी इतनी थी कि ये बहुत सारा पानी इसमें से निकल चुका है और ये हाफ रह गया है। और अब इसमें जितना भी फर्टिलाइज़र, ये देखिए जो मैंने पानी ऐड कर दिया उसके बाद जो इसमें नीचे बचा हुआ है वो भी मैं इसमें मिक्स कर दूँगी, ये इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। अगर आपको ये स्प्रे करना है जिस तरीके से आप मनी प्लांट के जो स्टिक्स है, मूस स्टिक्स है उन पे या किसी में आप अगर इसको स्प्रे करके देना चाहते हैं तो आपको इसको छानना पड़ेगा, लेकिन चूंकि मैं प्लांट्स के अंदर ही दूंगी पोट में डायरेक्ट तो मुझे छानने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम इसे पूरा मिक्स कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से मिक्स करने से जो इसका जो कलर है वो एकदम चेंज हो गया है, ये डाइल्यूट हो गया है पूरा। अब जो ये फर्टिलाइज़र है ये बिल्कुल ठंडा है और इसे जो हमें है वो अपने प्लांट्स के अंदर अब देना है। तो हम जो है शाम के टाइम, अब आप जब भी प्लांट्स को फर्टिलाइज़ करें तो उसे शाम के टाइम फर्टिलाइज़ कीजिए। अब ये 10 लीटर पानी है, इसमें से आपको ज़्यादा नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा सा फर्टिलाइज़र आप अपने जो प्लांट्स हैं उनके अंदर ऐड कर दीजिए। इस जो फर्टिलाइज़र में है प्रॉपरली पूरी तरीके से न्यूट्रिशंस है जो कि प्लांट्स को मिलेंगे, और जो वर्मी कंपोस्ट होता है, मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र होता है, वो प्लांट्स की और रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करता है। इसलिए हम इस फर्टिलाइज़र को जो थोड़ा थोड़ा है अपने प्लांट्स में देंगे। अभी शाम का टाइम है और कभी भी अब फर्टिलाइज़र आप मॉर्निंग में मत दीजिए, आप शाम के टाइम पर फर्टिलाइज़ कीजिए अपने प्लांट्स को, ताकि जो उनकी वो है पूरे रात भर इनको इसको एब्जॉर्ब कर सके और जो ग्रोथ निकल के आए वो बहुत अच्छी से आए। तो बस फ्रेंड्स, आप भी इसका यूज़ कीजिए, इतनी ठंडी खाद है कि प्लांट्स को कोई नुकसान नहीं होगा और वो जो प्लांट्स है उनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से निकल के आएगी, बहुत ही बढ़िया आपके प्लांट्स रहेंगे और बहुत अच्छे लगते रहेंगे। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।